हरियाणा सरकार 2 साल पहले हुए जाट आंदोलन के बाद जाट नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। सरकार के इस आश्वासन के बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जींद में होने वाली अपनी 15 फरवरी की रैली को स्थगित कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जाट नेता यशपाल मलिक के बीच नई दिल्ली में रविवार को 5 घंटे तक बातचीत चली। इस बातचीत के बाद सरकार ने फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर जाटों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि जाट आरक्षण के मुद्दे पर सरकार नेशनल बैकवर्ड कमीशन के सामने जाएगी। जाट नेताओं ने 15 फरवरी को जींद में 50,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जुलूस निकालने का ऐलान किया था। इसी दिन जींद में ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली भी होनी है। जाट नेताओं ने ऐलान किया था कि वो अमित शाह की रैली नहीं होने देंगे। इसके बाद राज्य सरकार और बीजेपी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सरकार ने जाट नेताओं को दिल्ली के हरियाणा भवन में बातचीत के लिए बुलाया। जाट नेताओं से समझौता होने के बाद सरकार और बीजेपी ने चैन की सांस ली। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि अब वो 18 फरवरी को शांतिपूर्वक बलिदान दिवस मनाएगी।